हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टारफिश। लास्ट वीडियोज में हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोज अगर बेनिफिशियल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है इसके अंदर हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है स्टारफिश का। इसको इसके अंदर दो फर्दर सिस्टम्स या फिर रीजन्स इंक्लूड होते हैं। एक होता है हीमल सिस्टम, एक होता है पैरिहीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम के अंदर अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। हीमल सिस्टम के अंदर एक ओरल हीमल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो है एक ओरल हीमल रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर रेडियल हीमल साइनस और स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। एंड थर्ड यहाँ पे एक्सियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंड फोर्थ यहाँ पे एबोरल साइड पे एबोरल हीमल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये हीमल सिस्टम के अंदर वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ओरल हीमल रिंग। ओरल हीमल रिंग जो है इट प्रोसीड्स इन द सेप्टम ऑफ द हाइपोन्यूरल साइनस, ठीक है। हाइपोन्यूरल साइनस, यहाँ पे हाइपोन्यूरल साइनस होता है, हाइपोन्यूरल रिंग साइनस होता है ये कंप्लीट यहाँ पे। तो ये जो है ये इसको ये प्रोसीड करती है, यानी इस हाइपोन्यूरल साइनस को ये प्रोसीड करता है। इसके अलावा जो ये ओरल हीमल रिंग है गिव्स ऑफ रेडियल हीमल साइनसिस इनटू द आर्म्स। अब ये यहाँ से ये गया, नेक्स्ट ये जाएगा, नेक्स्ट ये जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये ऐसे करके इसकी फाइव आर्म्स होती है। तो फाइव की फाइव आर्म्स के अंदर ओरल हीमल रिंग जो है एक रेडियल हीमल साइनस क्या करेगी, गिव राइज करेगी। ईच आर्म हैज़ वन रेडियल हीमल साइनस। एक आर्म के अंदर एक रेडियल हीमल साइनस होता है जो कि सिचुएटेड होता है सेप्टम ऑफ द हाइपोन्यूरल रेडियल हीमल साइनस के। एंड गिव्स ऑफ ब्रांचेस टू द ट्यूब फिट। इसके अलावा जो ट्यूब फिट ये प्रेजेंट है ये इसको अपनी ब्रांचेस सप्लाई करता है। तो ये होते हैं ओरल हीमल रिंग। नेक्स्ट है एबोरल हीमल रिंग। एबोरल साइड पे प्रेजेंट होगी ये। इट लाइज ऑन द एबोरल साइड एंड गिव्स हीमल ब्रांचेस टू द गोनेट्स। ये हीमल ब्रांचेस देता है गोनेट्स को, ये गोनेट्स को ही अपनी हीमल ब्रांचेस देगा। नेक्स्ट है एक्सियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो है यहाँ से ये एक्सियल ग्लैंड्स होगी। एक्सियल ग्लैंड जो होती है ओवॉइड ग्लैंड होती है, ठीक है। एक्सियल ग्लैंड ओवॉइड ग्लैंड होती है, ब्राउन ग्लैंड होती है, या फिर इसको सेप्टल ग्लैंड और डोर्सल ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। इसको ओवॉइड ग्लैंड, ब्राउन ग्लैंड, सेप्टल ग्लैंड और डोर्सल ऑर्गन बोला जाता है। इट इज़ डार्क इलोंगेटेड मास ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू का एक मास होता है दैट एक्सटेंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टोन कैनाल। एंड स्टोन केनाल, जैसे कि ये स्टोन केनाल होगी, ये क्या करती है एक्सियल ग्लैंड स्टोन केनाल तक एक्सटेंड करती है, यानी कि अलोंग विद जो लेंथ होगी स्टोन केनाल की उसके अलोंग विद ये रन करती है। इट्स ल्यूमन ओवर द हीमल प्लेक्सस कम्युनिकेट्स विद अ स्मॉल क्लोज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल सैक जिसको डोर्सल सैक बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ल्यूमन होता है, ये जो ल्यूमन है ये जो ल्यूमन है ये डोर्सल सैक ही होगा, ठीक है। डोर्सल सैक से कम्युनिकेट करता है, एक स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल क्लोज होता है डोर्सल सैक, और इसको टर्मिनल सैक और मैड्रीपोरिक वेसिकल भी बोला जाता है जो कि मैड्रीपोराइट के अंदर लोकेटेड होता है। ये यहाँ पे ये मैड्रीपोराइट है, इसके अंदर ये लोकेटेड होता है। द वेसिकल इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द एम्पुला। एंड ये वेसिकल जो है एम्पुला के क्लोज प्रेजेंट होता है ऑफ द स्टोन केनाल बट हैज नो कनेक्शन विद इट, ठीक है। एम्पुला के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। द हीमल प्लेक्सिस ऑफ द एक्सियल ग्लैंड इज नोन एज द हर्ट ऑफ द स्टारफिश, ठीक है। जो हीमल प्लेक्सिस है एक्सियल ग्लैंड के उसको हर्ट ऑफ द स्टारफिश भी बोला जाता है। और फंक्शन क्या होता है इसका, इसका कोई फंक्शन अभी तक दूसरे सिस्टम्स के साथ कोई क्लियर नहीं है, लेकिन जो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स है वो रिवेल करती है इसकी सिमिलरिटीज विद द हीमल सिस्टम, ठीक है। जो एक्सियल ग्लैंड है इसकी सिमिलरिटी हीमल सिस्टम के साथ इसको इसकी रिवेल करती है। एंड एट द ओपनिंग ऑफ एक्सियल ग्लैंड इनटू द एबोरल हीमल रिंग टू गैस्ट्रिक हीमल लैक्यूने और टफ्ट्स, ठीक है। गैस्ट्रिक हीमल लैक्यूने और टफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओपन इनटू द हीमल प्लेक्सिस ऑफ द एक्सियल ग्लैंड, यानी कि हीमल प्लेक्सिस जो है एक्सियल ग्लैंड का ये वाला, इसके अंदर ये ओपन होते हैं।
अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स यानी कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देर आर अबाउट 20 पाइलोरिक हीमल चैनल्स, ठीक है, 20 पाइलोरिक हीमल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक्सियल ग्लैंड एंड हीमल प्लेक्सस थ्रू द गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट्स के थ्रू। ये जो यहाँ पे टू गैस्ट्रिक हीमल और लैक्यूने और टफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हीमल प्लेक्सस के अंदर ओपन होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनका कम्युनिकेशन होता है एक्सियल ग्लैंड एंड हीमल प्लेक्सस का थ्रू दिस हीमल गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है एबोरल हीमल साइन रिंग। एबोरल हीमल रिंग जो है पेंटागोनल रिंग होती है, एबोरल साइड में प्रेजेंट होती है, लाइंग बिनिन द बोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क। इट गिव्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ जेनाइटल हीमल स्ट्रैंड्स टू द गोनेट्स, ठीक है, अलग अलग ये ऐसे अलग अलग ये जेनाइटल जो साइनसेस हैं या फिर गोनेट्स हैं उनको अपनी अपनी पेयरिंग या फिर जो एक तरह से सप्लाई है स्ट्रैंड है वो भेजती है। तो ये हो गया यहाँ पे हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम के अंदर ओरल हीमल रिंग थी, एक्सियल ग्लैंड थी, नेक्स्ट यहाँ पे ये एबोरल हीमल रिंग थी, एंड इसके अलावा यहाँ पे ये रेडियल हीमल साइन रिंग्स थी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, इसके फंक्शंस क्या होंगे हीमल सिस्टम के। हेड प्रोसेसेस ऑफ द एक्सियल ग्लैंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, जिसकी हेड प्रोसेसेस होंगी वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, एंड कोज सर्कुलेशन ऑफ फ्लूड्स, जो कि फ्लूड्स के सर्कुलेशन में हेल्प करती है, एंड सिलोमोसाइट्स इन द हीमल सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम। एंड हीमल सिस्टम के अंदर सिलोमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। एक्सियल ग्लैंड एक्ट एज जेनाइटल स्टोलन, ठीक है, जेनाइटल स्टोलन की तरह एक्ट करता है जो कि सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करता है यानी कि गैमिट्स को प्रोड्यूस करेगा ओवम और स्पर्म को, विच रीच द गोनेड थ्रू द एबोरल हीमल रिंग एंड इट्स ब्रांचेस। जो क्या करता है एबोरल हीमल रिंग जो गोनेड्स तक पहुंचता है थ्रू एबोरल हीमल रिंग के थ्रू, जो एबोरल हीमल रिंग थी ऊपर की साइड उसके थ्रू ये ऐसे इनके अंदर ब्रांचेस भेज रहा था, ठीक है, गोनेड्स के अंदर। नेक्स्ट है पैरीहीमल सिस्टम। पैरीहीमल सिस्टम जो है ये सिलोम से डिराइव किया जाता है, ठीक है, सिलोम से डिराइव किया जाएगा, एंड मेड अप ऑफ चैनल्स और वेसल्स विच इंक्लोजेस द साइनसेस ऑफ हीमल सिस्टम। जो हीमल सिस्टम के अब साइनसेस होंगे उनको इंक्लोज करके रखेगा एक्सेप्ट द गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट, जो गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट है उसको छोड़ के बाकी सबको ये एनक्लोज करके रखेगा, जितने भी यहाँ पे हमने अभी ब्रांचेस पढ़ी थी। लाइन बाय सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथीलियम, सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथीलियम से लाइन किया जाता है पैरीहीमल सिस्टम। इसके अंदर एबोरल रिंग साइनसिस होता है यानी कि एबोरल हीमल रिंग थी वैसे ही एबोरल रिंग साइनसिस होता है, ओरल रिंग साइनसिस और हाइपोन्यूरल रिंग साइनस होता है, यहाँ पे रेडियल पैरीहीमल साइनस होता है, नेक्स्ट एक्सियल साइनस होता है जैसे कि एक्सियल ग्लैंड थी वैसे ही एक्सियल साइनस इसको ये एनक्लोज करता है, जेनाइटल पैरीहीमल साइनस होता है, मार्जिनल साइनस होते हैं एंड पैरीब्रैंकियल साइनसेस होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के साइनसेस होते हैं। वेरी फर्स्ट इज द एबोरल रिंग साइनस। एबोरल रिंग साइनस जो है पेंटागोनल चैनल होता है लाइंग अराउंड द इंटेस्टाइन इन द सेंट्रल डिस्क ऑन द एबोरल साइड। फर्स्ट तो ये अबोरल साइन प्रेजेंट होगा, जो ये अबोरल हीमल रिंग है इसको एनक्लोज करके रखता है ये वाला ये चैनल, यहाँ पे ये एक पेंटागोनल चैनल प्रेजेंट होता है। सेकेंड है ओरल रिंग साइनसेस और हाइपोन्यूरल रिंग साइनसेस। सर्कुलर चैनल होता है अगेन जो कि माउथ को सराउंड करता है सेंट्रल डिस्क के अंदर, डिवाइडेड इंटू टू चैनल बाई अ सेप्टम। एक सेप्टम के थ्रू ये दो चैनल के अंदर डिवाइड हो जाता है जिसको हीमल स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, हीमल स्ट्रैंड के अंदर डिवाइड हो जाएगा। द टू चैनल्स आर आउटर ओरल रिंग साइनसेस एंड इनर ओरल रिंग साइनसेस, एंड इनमें से एक आउटर रिंग साइनसेस होगा, एक होगा इनर रिंग साइनसेस। थर्ड इज द रेडियल पैरीहीमल साइनस, ठीक है, जो रेडियल हीमल साइनसेस को इनक्लोज करेगा। तो रेडियल पैरीहीमल साइनसेस जो है ये लाई करता है आर्म्स के अंदर, अराइज फ्रॉम द आउटर ओरल रिंग साइनसेस। जो ओरल रिंग साइनसेस था यानी कि आउटर ओरल रिंग साइनसेस था उससे अराइज होता है। ईच साइनसेस इनक्लोजेज अ रेडियल हीमल स्ट्रैंड
रेडियल हीमल स्टैंड जो है उनको एनक्लोज करके रखता है रनिंग इनटू एन आर्म. लेटर फॉर्म्स अ वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल पार्टीशन. इसके बाद ये एक वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल पार्टीशन फॉर्म कर लेता है जो कि दो लेटरल साइनसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है. साइड लेटरल साइनसेस के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी. नेक्स्ट इज द एक्सियल साइनसेस. एक्सियल साइनस जो है वाइड वर्टिकल थिन वॉल्ड ट्यूबुलर साइनस होता है. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. इनक्लोजेज द स्टोन केनाल एंड एक्सियल ग्लैंड. स्टोन केनाल, एक्सियल ग्लैंड जो है स्टोन केनाल के अलोंग विद रन करती है. तो ये क्या करता है, एक्सियल ग्लैंड को और स्टोन केनाल को इनक्लोज करके रखता है. अब एक्सियल कॉम्प्लेक्स होता है. एक्सियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सियल साइनस, एक्सियल ग्लैंड एंड स्टोन केनाल इंक्लूड होते हैं. सो कलेक्टिवली एक्सियल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. फॉर्म्स अ स्मॉल डोर्सल सैक. इसके बाद एक डोर्सल सैक, यहाँ पे स्मॉल डोर्सल सैक फॉर्म करता है. इनक्लोज द डोर्सल प्रोसेसेस ऑफ द एक्सियल ग्लैंड, जो कि इसके डोर्सल प्रोसेसेस को क्या करके रखता है, इनक्लोज करके रखता है. एट अबोरल साइड कम्युनिकेट्स विद द एम्पुला ऑफ द स्टोन केनाल. एंड नेक्स्ट जो एम्पुला होगा, अबोरल साइड पे जो एम्पुला होगा, उससे एम्पुला किसका, स्टोन केनाल का. ठीक है, स्टोन केनाल का जो एम्पुला होगा, जैसे ये ऐसे होता है मेड्रिपोराइट, फिर नेक्स्ट स्टोन केनाल ऐसे निकलती है, एंड इस पोर्शन को एम्पुला बोलते हैं. तो जो एम्पुला होता है स्टोन केनाल का, आल्सो विद द एक्सटीरियर बाई सम ऑफ द पोर केनाल ऑफ द मेड्रिपोराइट. अब इस मेड्रिपोराइट के अंदर पोर्स होते हैं, देन पोर केनाल यहाँ से निकलती है, तो ये इसके साथ भी कम्युनिकेशन में होता है. एक तो एम्पुला ऑफ स्टोन केनाल के साथ में, एंड साथ में पोर केनाल्स जो होती है मेड्रिपोराइट की, उनके साथ में भी ये कम्युनिकेशन में होता है. नेक्स्ट है जेनाइटल पेरिहिमल साइनस. ठीक है, इधर आ गया. अब ये जेनाइटल साइनस ये हो गया जो इसको गोनेट्स को इनक्लोज कर रहा है. अबोरल रिंग साइनसिस गिव्स ऑफ 10 जेनाइटल ब्रांचेस. जो अबोरल रिंग साइनसिस था, ठीक है, ये वाला जो था, ये जो है 10 ब्रांचेस देता है अपनी, 10 जेनाइटल ब्रांचेस देता है. एक जो है ये दो दे रहा है, नेक्स्ट ये दो देगा, ऐसे 5 ब्रांचेस होती है एंड 2 ईच दे रही है. Each branch ends in a sac called genital sinus. हर एक ब्रांच जो है एक sac के अंदर enclose हो जाती है, end हो जाती है, जिसको genital sinus बोला जाता है. Encloses the gonads, and ये sinuses जो है genital sinuses gonads को enclose करके रखती है. Next is the marginal sinuses. Marginal sinuses जो होते हैं 2 होते हैं हर एक arm के अंदर. कनेक्टेड विद द पेरिहिमल साइनसेस बाई लेटरल ब्रांचेस. कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी जो कि कनेक्ट करेंगी पेरिहिमल साइनसेस के थ्रू. एंड इसके बाद है पेरिब्रैंकियल साइनसेस. सर्कुलर साइनसेस होते हैं अराउंड द बेसल पार्ट ऑफ द डर्मल ब्रांचेस. डर्मल ब्रांचेस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इनके बेसल पार्ट के जो होता है डर्मल ब्रांचेस का सर्कुलर साइनसेस, उसको सर्कुलर साइनसेस अराउंड द बेसल पार्ट ऑफ द डर्मल ब्रांचेस. तो ये होते हैं पेरिब्रैंकियल साइनसेस. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि हीमल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पेरिहीमल सिस्टम के अंदर कौन कौन से साइनसेस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. तो इस वे में इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है. डिफरेंट डिफरेंट जो इसके रिंग्स हैं, जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस है, वो अपनी अलग अलग सप्लाई भेजती है. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.